ये हादिया कहाँ है, नजर नहीं आ रही। जी मैंने बुलाया, आती होगी। शौकत, हादिया के इस तरह से यूनिवर्सिटी से अपने मंगेतर के साथ जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप उसे समझा दीजिएगा, जाना है तो घर से जाए, यूनिवर्सिटी से जाने की क्या दुख बनती है। शौकत, समीना ठीक कह रही है, मैं भी बल्कि तुमसे यही बात करना चाह रही थी। मगर भाभी, इसमें बुराई ही क्या है, हादिया उमेर के जाने साथ के लिए कौन मना कर रहा है। लेकिन आप खुद सोचें, वो यूनिवर्सिटी से हमारे के साथ चली जाती है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। अच्छा ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा। कम ऑन मम्मा, आप क्यों उस बेचारी पे पाबंदियां लगा रही हैं? अरे उसकी एंगेजमेंट हो गई है, आपने उसके मंगेतर को नहीं देखा क्या? कितना दीवाना है उसका, उसका बस चले तो उसके आगे पीछे ही घूमता रहे। अगर दोनों दूसरे के लिए इतने ही पागल हैं, तो आप लोग इन दोनों की शादी क्यों नहीं कर देते? मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहती हूँ। आदिया बेटा, तुम दिल लगा के पढ़ो, और जब तक तुम नहीं चाहोगी, कोई भी तुम्हें इस घर से रुखसत नहीं करेगा। तुम क्यों इतने खामोश बैठे हो? तुम दोनों बताओ, आज का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा था चाची। जाहिर सी बात है, तुम दोनों इतने दिनों के बाद बाहर गए थे, अच्छा तो रहा होगा ना? अच्छा हुआ मैं साहब के साथ चले गया, काफी दिनों से अजीब सी टेंशन हो रही थी फिजिकली और मेंटली, लेकिन अब फ्रेश फील कर रहा हूँ। एहसन बेटा, तुम लोगों की सारी तैयारी हो गई? जी बाबा, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हमारी, बल्कि मानू का तो बस नहीं चल रहा, इसका बस चले तो अभी उड़ के पहुंच जाए वहां पे। वाकई चाचू, मुझसे तो कल का वेट ही नहीं हो रहा।